सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यवतमाल पुसाद महागांव तालुका फिर ओलावृष्टि से प्रभावित। बेमौसम बारिश से घरों के साथ साथ कृषि फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। यवतमाल जिले में तेज धूप के बीच बेमौसम बारिश हुई। पुसाद और महागांव तालुका के बीच कुछ गांव में ओलावृष्टि हुई है, जबकि कई गांव आंधी तूफान के साथ बारिश की चपेट में आ गए। पांडुना बेलोरा वेनी सहित डोंगर खरदा मेटीखेड़ा में बारिश। तालुका में महंगाई की मार। खराब मौसम के कारण वेनी में तात्या शिंदे के केले के बगीचे को नुकसान पहुंचा था। पुसाद तालुका में बेमौसम बारिश में अनाज उड़ गया। पांडुना और बेलोरा गांव में बारिश हुई है, यह ओलो की चपेट में आ गया है। बिजली गिरने से फुलवाड़ी में आग लग गई। 80,000 से 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर रमजान ईद और अक्षय तृतीया के चलते शहर में 3 से 4 टन गुलाब के फूलों की आवक होती है। छत्रपति संभाजी नगर रमजान ईद अक्षय तृतीया महात्मा बसवेश्वर जयंती परशुराम जयंती चार हिंदू मुस्लिम भाइयों के त्योहार एक साथ आए हैं और शहरों में गुलाब के फूलों की बड़ी आपूर्ति हुई है और फूल व्यापारी इन फूलों की पंखुड़ियों को बेच रहे। जैसा कि आज ईद है, मुस्लिम भाइयों के बीच कब्रिस्तान में जाकर मुस्लिम भाइयों के बड़ों को फूल चढ़ाने की परंपरा है। हमारे बुजुर्गों को फूल चढ़ाए जाते, इसलिए व्यवसायी फिलहाल गुलाब की पंखुड़ियाँ 150 से 200 रुपए में बेच रहे। व्यापारियों ने बताया कि शहर में इस बार 3 से 4 टन गुलाब की आवक हुई है। चूँकि आज अक्षय तृतीया है, इसलिए हिंदू समाज में भी पूजा का महत्व है, इससे फूल की डिमांड बढ़ गई है। व्यापारियों ने यह प्रतिक्रिया दी है। छत्रपति संभाजीनगर सिल्लोड कस्बे व तालुक में रमजान ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के नागरिकों ने ईदगाह मैदान में नियत स्थान पर सामूहिक नमाज अदा किया। उसके बाद हमने एक दूसरे को विश किया और फिर शीर खुरमा का लुत्फ उठाया। सिल्लोड में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टू ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाइक कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsto.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।